जो भी तुम शादी के टाइम पे सामान लेकर आई थी ना, वो सब मैंने टेम्पो में रखवा दिया है। एक बार घर में देख लेना, अगर तुम्हारा कुछ बचा हो तो ले जाना। तुम जो भी ले जाना चाहती हो ना, ले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ठीक है यश, ये वो ज्वेलरी है जो तुमने मुझे दी थी। नहीं चाहिए मुझे, यश, 15 लाख की ज्वेलरी है ये। पता है मुझे। तुम ले जाओ ये ज्वेलरी भी, तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगी। मुझे नहीं चाहिए ये, तुम ही रखो। एक बार फिर से चेक कर लेना, मैं कुछ भी लेकर नहीं जा रही हूँ। अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ अब। शिवाली, शिवाली प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाओ। ये बात तुम मुझे 2 साल पहले भी बोल सकते थे ना। मैं माफी मांगना चाहता था शिवाली, पर ना तुमने और ना तुम्हारे घर वालों ने कभी मुझे बोलने का मौका दिया। मानता हूँ मुझसे गलती हुई थी, हाथ उठ गया था तुम पर गुस्से में, नहीं उठाना चाहिए था मुझे। ये लो, जितने चाहे जूते मार लो, पर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं नहीं मारना चाहती तुम्हें, समझो हमारी शादी को सिर्फ 4 साल हुए हैं, जिसमें से 2 साल हमने कोर्ट के चक्कर लगाने में लगा दिए, सिर्फ तलाक के चक्कर में। तुम एक बार आकर मुझसे माफी भी तो मांग सकते थे, कम से कम मनाने की ही कोशिश करते। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं मानती? अब मांग रहा हूं मैं माफी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। मम्मी का कॉल आ रहा है, वो लोग नीचे मेरा वेट कर रहे हैं। प्लीज मत जाओ ना। हेलो बेटा, ऊपर क्या कर रही है? ऊपर तेरा है ही क्या, वहां पर कौन है बेटा? आजा, नीचे आजा बेटा। मम्मी मैं नहीं आऊंगी, मेरा सब कुछ तो यहीं पर है। नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, कभी भी नहीं जाऊंगी।